हेलो स्टूडेंट्स, मैं गोविंद आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एमक्यू इंस्टीट्यूट में। मैं आज आपको 11th क्लास का चैप्टर 1.1 पढ़ाने जा रहा हूं, एक्सरसाइज नंबर 1.1 चैप्टर नंबर 1 सेट्स पढ़ा रहा हूं। ठीक है, सेट की थ्योरी हो चुकी थी लेक्चर नंबर 1 में। यहां पे थोड़ी लाइटिंग की थोड़ी प्रॉब्लम है, पहले वीडियो में भी ऐसा ही था कुछ, थोड़े दिनों में ये हो जाएगा ख़त्म। थोड़ी बैकग्राउंड में इसकी भी प्रॉब्लम है क्योंकि हम शाम को शूट कर रहे हैं, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, थोड़े दिनों में ये समस्या दूर हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। इसका पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। कौन कौन से इनमें से सेट हैं और कौन कौन से नहीं हैं ये बताना है। पहला सवाल है, पहले का फर्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ए ईयर बिगनिंग विद द लेटर जेड, जेड से शुरू होने वाले मंथ्स का कलेक्शन समुच्चय होगा या नहीं होगा, इसके बारे में बताना है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इनमें से कौन कौन सा ऐसा मंथ है जिसका फर्स्ट लेटर जैसे शुरुआत हो रहा है, जैसे शुरू हो रहा है, वो है जनवरी, ये वाला मंथ, जून, जुलाई, ये तीन ऐसे मंथ हैं जो जैसे शुरू हो रहे हैं। इसके अलावा कौन सा भी मंथ ऐसा नहीं है जो जिसका फर्स्ट लेटर जे है। तो इस कलेक्शन में केवल ये ही आएंगे। कौन कौन से आएंगे? जनवरी आएगा, जून आएगा, जुलाई आएगा, ये तीन मंथ आएंगे। इस तीन मंथ का कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड है या नहीं है ये बताना है अपन को। वेल डिफाइंड है क्योंकि किसी से भी पूछेंगे तो यही बताएगा कि जो फर्स्ट लेटर से शुरू होने वाले ये तीन ही मंथ होते हैं और कौन सा भी मंथ नहीं होते हैं, दिख रहे हैं अपन को। ठीक है, कहीं कौन से भी स्थान पर चले जाओ, पहले से कौन से भी समय में चले जाओ तो यही बताएगा। पर्टिकुलर आ गया है ये, जब पर्टिकुलर आ जाता है तो इसका मतलब है सेट वेल डिफाइंड है, और अगर नहीं आता है तो कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है, इसका मतलब सेट नहीं है ये। इसके बारे में अगला सवाल, और ज़्यादा प्रैक्टिस होगी इससे। क्या है? द कलेक्शन ऑफ द 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर के नाम। ठीक है, इंडिया के मोस्ट टैलेंटेड, अब आपके अकॉर्डिंग दूसरे हो सकते हैं, मेरे अकॉर्डिंग दूसरे हो सकते हैं, अपने सोचने का नज़रिया अलग अलग होता है, इसी हिसाब से राइटर के नाम अलग अलग हो सकते हैं। तो ये यहाँ पे लिख रखा है कि मोस्ट टैलेंटेड 10 राइटर्स के नाम बताने हैं अपन को, तो यहाँ पे वेल डिफाइंड नहीं है क्योंकि आपके अकॉर्डिंग अलग चीज़ है और मेरे अकॉर्डिंग अलग चीज़ हो रही है। ठीक, तो ये वेल डिफाइंड नहीं होगा तो सेट भी नहीं होगा। अगला तीसरा सवाल है, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बेस्ट मैन ऑफ इंडिया ऑफ द वर्ल्ड के बेस्ट बल्लेबाजों के नाम बताने हैं, 11 बल्लेबाजों के नाम, एक सेट जिसमें 11 बल्लेबाजों के नाम आएंगे। अब आपके हिसाब से बेस्ट और मेरे हिसाब से बेस्ट क्रिकेटर, आपके हिसाब से बेस्ट क्रिकेटर और मेरे हिसाब से बेस्ट क्रिकेटर अलग अलग हो सकते हैं, आपके हिसाब से कोई और हो सकता है, मेरे हिसाब से कोई और हो सकता है। ऐसे ही अगर ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ तो ऑस्ट्रेलिया के कोई आदमी से पूछो आप कि आपके हिसाब से कौन सा बेस्ट क्रिकेटर है, ऐसे 11 क्रिकेटर के नाम बता दो तो वो अलग बता सकता है, कोई भी बता सकता है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, तो ये भी कलेक्शन जो अपन ने 11 बेस्ट क्रिकेटर्स का सेट लिया उसका वेल डिफाइंड नहीं है क्योंकि ये जगह के हिसाब से बदल रहा है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। अगला सवाल करते हैं अपन, तो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का चौथा सवाल क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, आपकी क्लास में सारे लड़कों का समुच्चय, ये सेट होगा या नहीं होगा, समुच्चय होगा या नहीं होगा। तो उनको वही नॉर्मल वेल डिफाइन चेक करना है, बस वेल डिफाइन चेक करने के लिए
इस कलेक्शन को बिल्ड डिवाइन चेक करने करेंगे तो आप इमेजिन कीजिए, आपकी क्लास में सारे बच्चे सारे बॉयज़ एक साथ आ जाएं, एक साथ एक कलेक्शन में एक रजिस्टर में नाम लिख दिया जाए, तो वो कलेक्शन वेल डिफाइन होगा या नहीं होगा? होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर आप उसी क्लास के किसी बच्चे से पूछेंगे, यहाँ पे पर्टिकुलर बोल दिया योर क्लास, अगले में योर वर्ल्ड बोला था, वर्ल्ड के अंदर जितने भी हैं उन सब का क्रिकेटर का समुच्चय है या नहीं है, तो नहीं था वो, क्योंकि अपने हिसाब से कोई और हो सकता था और आपके हिसाब से कोई और हो सकता है इस हिसाब से। तो योर क्लास, आपकी क्लास में सारे बच्चों का जो सारे बॉयज़ हैं उनका समुच्चय कलेक्शन लेंगे तो वो वेल डिफाइन होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग जो है जितने बॉयज़ होंगे उतने दूसरे के अकॉर्डिंग होंगे। ऐसे ही पांचवा सवाल में क्या है, द कलेक्शन ऑफ द ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, 100 से छोटे सभी नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन समुच्चय होगा या नहीं होगा, ये बताना है। अपने देखा था कल वो 100 से छोटे वाले, सॉरी 10 से छोटे वाले, ये देखा था अपन। इसका कलेक्शन लेंगे तो ये होगा या नहीं होगा? था कल देखा था अपन ने, था 1 से लेकर 9 तक आते थे इसके अंदर, इस सेट के अंदर। ऐसे ही इसके अंदर 1 से लेके ऐसे आएंगे, नेचुरल नंबर यही होते हैं 1, 2, 3, 1 से लेके और लेस देन 100 बोल रहा है तो 99 तक जाएंगे। अगर लेस देन इक्वल बोलता, इसका और इसका मतलब अलग अलग होता है, लेस देन और लेस देन इक्वल, इसको लेस देन पढ़ते हैं, इसको लेस देन इक्वल पढ़ते हैं। 10th भी पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा तो बता रहा हूँ। यहाँ पे ये लेस देन का मतलब होता है इसके आगे का जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, इसका मतलब है लेस देन इक्वल का मतलब है ये जो आगे का है वो भी इंक्लूडेड है। जैसे ये 100 में लिख रहा है कि लेस देन 100 में 100 इंक्लूड नहीं है, तो 1, 2, 3, 4 99 तक जाएगा। ठीक है, तो ये सेट विल डिफाइन है, हमने इसको बता दिया। अगला 6th सवाल क्या है, ए कलेक्शन ऑफ नॉवल रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद, उन नॉवल्स का कलेक्शन लें जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है, वो वेल डिफाइन होगा या नहीं होगा, इसको बताना है। तो अमन जितने भी मुंशी प्रेमचंद जी ने नॉवल्स लिखे हैं, उपन्यास लिखे हैं, उन सब का कलेक्शन लेंगे तो वेल डिफाइन होगा? होगा, ऑब्वियसली बात है। क्यों होगा? क्योंकि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई सारी की सारी कृतियों को एक जगह संग्रहित करेंगे तो उस सारी की कौन सी भी जगह पर चल जाओ, आप कौन सी भी जगह पर चल जाओ, मुंशी प्रेमचंद जी की जितनी भी कृतियाँ इकट्ठी करेगा कोई भी करेगा तो वही आएगी जो आप करोगे, जो आप कलेक्शन लोगे वही वो कलेक्शन लेंगे, तो सेम होगा। इस वजह से ये एक वेल डिफाइन कलेक्शन होगा तो ये सेट होगा। ठीक है, तो ये भी सेट है, ये भी सेट है, ये भी सेट है। ऐसे ही ये द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं? पहले इंटीजर्स मैंने बताए थे कल कि इंटीजर होते हैं ये 0 के इधर के सारे 1, 2, 3 इस तरह से, और 0 के इधर के सारे -1, -2, -3 इस तरह से, तो ये सारे के सारे इंटीजर होते हैं, इन्फिनिट तक जाते हैं, इन्फिनिटी। ठीक है, तो इवन इंटीजर्स की बात कर रहा है ये, इवन और ओड इनका मतलब समझ में आना चाहिए। इवन का मतलब होता है इवन इंटीजर्स होते क्या हैं, इवन को हिंदी में बोलते हैं सम, ओड इंटीजर्स, ओड को हिंदी में बोलते हैं विषम। ठीक, इवन वो होते हैं जिसमें 2 का भाग जाता है, 2 से डिवाइड होते हैं, वो होते हैं इवन इंटीजर्स, और जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वो होते हैं ओड इंटीजर्स।
वैसे भी ऐसे पता चल सकता है, देखो इसमें कितने आ रहे हैं, कितने लेटर्स है, 4 हैं। ट्रिक बता रहा हूँ, याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ, किसम क्या होता है, विषम क्या होता है, क्या है, इवन, इवन में 3 लेटर्स हो रहे हैं, आ रहे हैं, इसमें भी ऐसे ही हो रहा है, 2 लेटर्स आ रहे हैं, तो 2 से डिवाइड हो रहा है, 4 भी 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 भी 2 से डिवाइड हो रहा है। इस वजह से ऐसे याद करने का तरीका बता रहा हूँ, सम और विषम में, ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसमें भी ऐसे 3 लेटर आ रहे हैं, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, इसमें भी 3 लेटर आ रहे हैं, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, इस वजह से ये हो गया। डेफिनेशन याद करने का तरीका बताया बस, ठीक है। तो इवन ये होते हैं, वो होते हैं जिसमें 2 का भाग जाता है। अपन को इवन इंटीजर का कलेक्शन लेना है, सारे इवन इंटीजर्स का कलेक्शन लेंगे और ये बताना है कि ये वेल डिफाइंड है या नहीं है। वेल डिफाइंड होगा तो सेट होगा, और वेल डिफाइंड नहीं होगा तो सेट नहीं होगा। तो सेट, ये वेल इवन इंटीजर्स का कलेक्शन ये होता है, ये होगा -4 -2 0 भी आता है, 0 इवन होता है, 2 4 इस तरह से ये सेट आया। ये वेल डिफाइंड है क्योंकि किसी से भी पूछेंगे तो यही बताएगा, कोई भी पैलेस के हिसाब से ये चेंज नहीं होगा, पर्टिकुलर है, इस वजह से इवन इंटीजर होगा, इवन इंटीजर का कलेक्शन सेट होगा। द कलेक्शन ऑफ, ये सवाल, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, आपके इस चैप्टर में आए हुए क्वेश्चंस का कलेक्शन, अब आपकी क्लास में किसी से भी पूछना, वो जितने भी कलेक्शन बताएगा वो यही होगा, जो आप बोलेंगे वही, जो आप कलेक्शन सेट करेंगे वही वो कलेक्शन सेट करेगा। इस हिसाब से तो ये भी वेल डिफाइन है, इस वजह से ये भी सेट होगा। अगला है, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट, ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? आ रहा है सर। ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के मोस्ट डेंजरस एनिमल्स का कलेक्शन, ये सेट होगा या नहीं होगा, इसके बारे में बताना। तो ऑब्वियसली बात, मेरे हिसाब से अलग होगा, मेरे हिसाब से शेर है, आपके हिसाब से मनुष्य हो सकता है, मेरे हिसाब से भी हो सकता है। ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एलिमेंट एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, ये कलेक्शन सबके अकॉर्डिंग, अलग अलग इंसानों के अकॉर्डिंग अलग अलग होगा। किसी के हिसाब से छिपकली हो सकता है, किसी के हिसाब से शेर हो सकता है, किसी के हिसाब से मनुष्य हो सकता है, किसी के हिसाब से जेब्रा हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो ये सेट नहीं होगा। एक यहाँ तक आ रहा है समझ में? आ रहा है सर, आगे देखते हैं। अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, लेट ए 1 2 3 4 5 6 इंसर्ट द एप्रोक्सीट सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक्स, फिलिंग द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है। ये जो ब्लैंक्स दिख रहे हैं इसके अंदर बताना है कि बिलोंग्स टू का साइन आएगा या नॉट बिलोंग्स टू का साइन आएगा। कल अपन ने देखा था, क्या देखा था, कल एक एग्जांपल बताया था मैंने, ये वाला ए बी सी डी ई, ये वाला एग्जांपल बताया था। क्या एग्जांपल था इसमें, क्या था, मैंने बताया था कि ए इसके अंदर बिलोंग्स करता है, अगर इस सेट के अंदर बिलोंग्स करता है, सेट ए के अंदर, तो मतलब इसके अंदर है ये एलिमेंट, तो इसको ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे पढ़ा जाता है, ए बिलोंग्स टू ए। अगर ये इसमें नहीं है, जैसे कोई एलिमेंट ले लेते हैं, एफ ले लेते हैं, एफ इसके अंदर नहीं है, ए के अंदर, तो यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू का साइन आता है, एफ नॉट बिलोंग्स टू ए, इस तरह से। तो अपन को इसमें देखना है, हम देखेंगे कि भाई एफ बिलोंग्स टू का साइन आएगा या नॉट बिलोंग्स टू का साइन आएगा। 5 ए के अंदर है या नहीं है, इसमें देखो है तो बिलोंग्स टू का साइन, 8 इसके अंदर नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू का साइन आएगा, 0 इसके अंदर नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू का साइन आएगा, 4 इसके अंदर है तो बिलोंग्स टू का साइन, 2 इसके अंदर है तो बिलोंग्स टू का साइन, 10 इसके अंदर नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू का साइन आएगा, इस तरह से आएंगे। ये बात समझ में आई? इसका यूज़ लूँगा मैं अगले सवाल में,
तो ये समझ लेना ठीक से, अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को रिपीट करके देख लेना, ठीक है, समझ में आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं अपन, सवाल नंबर थर्ड, अगला सवाल है थ्री, तीसरा सवाल है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिखना है अपन को, कल सिखा था अपन ने रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में ही है। इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते थे, ये है दे रखा है यहाँ पे एक्स सेमीकोलन, जबकि पढ़ते हैं, जबकि एक्स क्या है, ये डिफाइन कर रखा है एक्स को, एक्स इज एन इंटीजर एंड माइनस थ्री से सेवन के बीच में है इसका, इस लेस देन इक्वल का साइन का मतलब बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, इसका मतलब है ये इंक्लूडेड है इसके अंदर, मतलब एक्स लेस देन इक्वल माइनस थ्री, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल माइनस थ्री, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल का मतलब ये माइनस तीन इसके अंदर ही है, लेस देन का इक्वल लेस देन का मतलब ये सेवन इसके अंदर नहीं है। एक्स इंटीजर है, इंटीजर अपन जानते हैं माइनस में भी होते हैं प्लस में भी होता है, जीरो इंक्लूडेड होता है इसके अंदर, तो माइनस तीन इसके अंदर है तो माइनस तीन आएगा इसके, माइनस दो इसके पहले वाले नहीं आएंगे क्योंकि ये इससे बड़ा है इसलिए नहीं आएंगे, माइनस वन ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये इससे छोटा है इसलिए नहीं आएगा, ठीक है। सो सेट आया अपने पास में, ये है रोस्टर फॉर्म, इस सेट को इस रोस्टर फॉर्म में इस तरह से लिख दिया अपन ने। सेकंड सवाल देखते हैं, एक्स जबकि एक्स इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है लोएस्ट देन सिक्स है, ये तो नॉर्मल है, नेचुरल नंबर जानते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऐसे चलता है, लेस देन सिक्स है मतलब सिक्स इंक्लूडेड नहीं है, ये इसके बाहर है तो ये आएंगे फोर फाइव, फाइव तक जाएगा बस, ये सेट आएगा रोस्टर फॉर्म में इस तरह से लिख दिया। थर्ड सवाल, थर्ड सवाल में क्या है, एक्स एक्स इज ए टू डिजिट नंबर, नंबर सच देट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज एट, मतलब दो अंकों का नंबर चाहिए अपन को, इस तरह के नंबर होने चाहिए कि उनका सम करें तो क्या आना चाहिए, एट आना चाहिए। दो अंकों के नंबर कौन कौन से हो सकते हैं जिसमें एट आए, एट आना चाहिए, तो सम देख लेते हैं, एक है सेवन तो दूसरा होना चाहिए, दूसरा अंक वन होना चाहिए। अब इसमें इधर एक जोड़ते जाएंगे, इसमें से एक घटाते, इसमें एक घटाते जाएंगे, इसमें एक जोड़ते जाएंगे, इसमें चलता रहेगा, आ जाएगी सारे के सारे नंबर आ जाएंगे अपने पास में, सिक्स इसमें एक जोड़ दो, दो पाँच तीन चार चार। अब इनका उल्टा कर देंगे, वो भी तो नंबर हो सकते हैं कि उल्टे भी तो हो सकता है, तो सेवन वन टू सिक्स थ्री फाइव फोर, फोर फोर का उल्टा करेंगे फोर फोर ही आएगा, ठीक है। एक सेट, सेट के अंदर एक संख्या को एक ही बार लिखा जाता है, डबल बार कभी भी नहीं लिखते, ठीक है। तो इसके अंदर लिखेंगे, कल ही बताया था मैंने, कल बताया था प्रिंसिपल, एक शब्द आया था प्रिंसिपल में पी डबल टाइम था, दो बार था, तो उसको नहीं लिखा था अपन ने, इसमें इनको लिखेंगे, जैसे क्या सत्रह छब्बीस पैंतीस चौवालीस तिरपन बासठ इकहत्तर, ये होंगे, इसको रफ में लिख सकते हैं, जो समझ में नहीं आए उसको रफ में लिख लेना चाहिए, इधर साइड में एक ब्लॉक बनाना और उसको लिख लेना, ताकि है ना बाद में समझने में परेशानी नहीं होगी आपको, ठीक है। अगला सवाल करते हैं, इसी का अगला सवाल है तीसरा सवाल देखते हैं, राइट द फॉलोइंग सेट, इस सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, पाँचवा चौथा सवाल है उसका, तीसरे तक हो गया था अपना, चौथा सवाल है द प्राइम नंबर विच इज़ द डिवाइजर ऑफ 60 के डिवाइजर कैसे पता करते हैं, 60 के डिवाइजर पता करने के लिए वही भाग देंगे, 15 तीन का भाग दिया पांच बार, पांच का भाग दिया एक बार, ठीक है। प्राइम नंबर
प्राइम नंबर आपको पता होना चाहिए, प्राइम नंबर होता क्या है, क्या होता है प्राइम नंबर, जिसमें केवल उसी का भाग जाता है और किसी का भाग नहीं जाता, एक का भी भाग जाता है और उसी का भाग जाता है और किसी का भाग नहीं जाता, जैसे एक का भाग गया, दो का भाग गया और किसी का भाग नहीं जाएगा, ऐसे ही पाँच में केवल पाँच का भाग जाता है और वन का भाग जाता है और किसी का भी भाग नहीं जाता है, ऐसे ही फोर प्राइम नंबर है क्या, इसमें टू का भाग जाता है, फोर का भाग भी जाता है, खुद का खुद के अलावा भी दो का भाग जा रहा है, तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है ऐसे, ठीक है। तो अपन फैक्टर देख लिए, अपन ने इसके फैक्टर देख लिए, इसमें कौन कौन से, इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे ये पता करना है अपन करें। तो दो होगा, दो प्राइम नंबर भी है और इसका साठवें भाग भी जाता है, इन दोनों को सम्मिलित किया तो ये डिवाइजर हो जाएगा, फोर आएगा, फोर टू का डिवाइजर हो जाएगा, तो इसको नहीं लेंगे। ऐसे ही इन दोनों को लेंगे, तीन को लेंगे, पाँच को लेंगे, इंडिविजुअल लेंगे, इन दोनों को साथ में नहीं ले सकते, क्योंकि साथ में लेंगे तो वही उसमें भाग चला जाएगा, साथ में लिया जैसे पंद्रह ले लिया, इन दोनों को ले लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई में लिया, तो थ्री का भाग जा रहा है, थ्री का भाग जाएगा पाँच बार, तो पंद्रह के अलावा एक का भाग जाता है और किसी का भी भाग नहीं जाना चाहिए, मतलब पंद्रह का जाए, एक का जाए और किसी का भी नहीं जाए तो प्राइम नंबर होगा, इसमें तो पाँच तीन का भाग भी जा रहा है, पाँच का भी जा रहा है, इस वजह से ये प्राइम नंबर नहीं होगा पंद्रह, ठीक है। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे, इसके डिवाइजर जो होंगे उनमें प्राइम नंबर होंगे दो, तीन, पाँच, ये तीन ही ऐसे एलिमेंट होंगे जिनका भाग केवल इसमें जाएगा, सिस्टम में जाएगा और प्राइम नंबर भी होंगे। तो फॉर्म क्या बनी अपने पास में, रोस्टर फॉर्म 1, 3, 5। अगला सवाल देखते हैं, ई, ई एक ऐसा सेट है, ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड इस ट्रिग्नोमेट्री वर्ड के सारे लेटर का सेट बनाना है अपन को, ठीक है। सेट के अंदर रिपीटेड वर्ड नहीं आते हैं, रिपीटेड लेटर नहीं आते हैं, पहले बता दिया मैंने, इसमें टी है, ये टी दो बार आ गया तो इसको एक ही बार लिखेंगे अपन, टी। आर, आर ये भी रिपीटेड है, ये आर तो इस आर को एक बार लिखेंगे, दो बार नहीं लिखेंगे। आई, आई एक भी बार आ रहा है तो आई को लिख लिया। जी, जी भी एक ही बार आ रहा है तो जी लिख लिया। ऐसे ही ओ दो बार आ रहा है तो ओ को एक ही बार लिखेंगे, दो बार नहीं लिखेंगे, रिपीटेड नहीं लिखते। एन, एन को भी एक ही बार लिख लेंगे, एक ही आ रहा है वैसे भी। एम, एम भी लिख लिया। ई, ई लिख लिया। टी हो गया, आर हो गया, वाई, तो सेट बना अपने पास में टी आर आई जी ओ एन एम ई वाई, ये सेट बना अपने पास में, ठीक। अगला सवाल आप स्वयं करना, ठीक है। इसमें सेम यही सवाल है, इस बेटर शब्द को सेट में लिखना है, ठीक है। अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ये अपन को रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करके लिखना है अपन को। सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करने के लिए एक्स, वही तरीका, यहाँ पे अपन को ऑब्जर्वेशन करनी पड़ती है कि ऑब्जर्वेशन क्या है। देखो ये तीन है, यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे 9 आ रहा है, यहाँ पे 12 आ रहा है, तो यहाँ पे 3 × 1 लिख सकते हैं इस तीन को, ऐसे ही 6 को 3 × 2 लिख सकते हैं, 9 को 3 × 3 लिख सकते हैं, 12 को 3 × 4 लिख सकते हैं। समझाने के लिए लिखा है, ऐसे एग्ज़ाम में मत लिख देना, आगे जाके लिखेंगे, आगे लिखते हैं इसको, ऐसे समझाने के हिसाब से लिख लेना, यहाँ पे समझने के हिसाब से लिखना है इसको, इस चीज़ को, ठीक। यहाँ पे x, x क्या है, यहाँ पे x इज इक्वल टू, इस तरह से लिख सकते हैं भाई, 3 तो कॉमन आ रहा है सब में, और ये बढ़ रहा है 1, 2, 3, 4 ऐसे बढ़ रहा है, मतलब नेचुरल नंबर के हिसाब से बढ़ रहा है, तो इस तरह से लिख सकते हैं x को 3n। यहाँ पे n क्या है, ऐसे लिखते हैं, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कैपिटल n बिलोंग्स टू, मतलब बता दिया मैंने, n कहाँ पे बिलोंग्स करता है, नेचुरल नंबर में, n के जो मान हैं वो नेचुरल नंबर में है, और n का मान जो है
वो एक से लेके चार तक है, तो वन लेस देन इक्वल लगाएंगे, इधर भी लेस देन इक्वल फोर, एक से लेके चार तक जा रहा है इसलिए लेस देन इक्वल फोर, एक से लेके चार तक जाएगा, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इस तरह से ये फॉर्म में सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया अपन ने, ठीक। ये इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना, बिलोंग्स टू, ये n बिलोंग्स टू n है, मैंने बोला था पहले, अगर ये इस चीज़ को समझ में, ये चीज़ समझ में नहीं आई हो तो पीछे जाके देख लेना, पीछे कर लेना वीडियो को, इसमें देख लेना। n बिलोंग्स टू n का मतलब n इसमें बिलोंग्स करता है, मतलब n के मान n से आ रहे हैं, मतलब नेचुरल नंबर से आ रहे हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, n इज नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है। इस चीज़ को मैंने ऐसे भी लिख सकते हैं, पर गणित की भाषा में ऐसे अच्छा लगता है इसलिए लिखा है। आगे देखना, टू सेकंड सवाल देखना, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन देखना, ऑब्जर्वेशन करना, यहाँ पे टू की पावर वन करेंगे टू आ रहा है, टू की पावर टू करेंगे फोर आ रहा है, टू की पावर थ्री करेंगे एट आ रहा है, टू की पावर फोर करेंगे सोलह, टू की पावर फाइव बत्तीस, इस तरह से चल रहा है, मतलब पावर बढ़ती जा रही है, नेचुरल नंबर के रूप में बढ़ रही है और पावर, ठीक। तो x x इज इक्वल टू टू की पावर n लिख सकते हैं इसको, और यहाँ पे n किस में बिलोंग्स करता है, n बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर में बिलोंग्स करता है, और n का मान कहाँ से कहाँ तक है, एक से लेके पाँच तक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे n लेस देन इक्वल फाइव। अगला सवाल देखना, ये भी इसी तरह का सेम सवाल है, इसमें फाइव की पावर दे रखी है, आप स्वयं कर लेना। ये चौथा सवाल इसके जैसा है, सेम, दो दो इंटू एक, दो इंटू दो, दो इंटू तीन, इस तरह से बढ़ रहा है ये आगे, ठीक। ये बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए ये बाउंडेशन नहीं लगाएंगे इसमें, इस सवाल में ये बाउंडेशन नहीं आएगी, बस और सेम रहेगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे देना कि क्या होता है, अगर नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में ये भी लिख देना कि इसको वापस बता दो, अगली क्लास में इसको बता देंगे, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, आगे के एक सवाल और बच रहा है वो भी करना, पांचवा सवाल है एक और, उसको भी आपको करना है, नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में बता देना, और आ जाए तो आंसर बता देना, ठीक है। पाँचवा सवाल करते हैं, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, सारे सेट्स के एलिमेंट्स लिखने हैं अपन को। पहला क्वेश्चन है एक्स, एक्स इज ए ओड नेचुरल नंबर, ठीक है। ओड नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं पता है आपको, ये वन से शुरू होते हैं, वन थ्री फाइव, इस तरह से चलता रहेगा, ये ओड नेचुरल नंबर हो गए, ऐसे लिखने हैं सारे के सारे। दूसरा सवाल है, x इज एन इंटीजर, कहाँ से कहाँ तक, माइनस वन बाई टू से नाइन बाई टू, जिसमें ये और ये इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि इक्वल का साइन नहीं आ रहा है, ठीक। तो वैसे भी नहीं होते हैं, इंटीजर बोल रहा है, और ये रेशनल नंबर है, एक रेशनल नंबर जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है, और इसमें केवल नीचे बन ही आता है, मतलब ये ऐसे रहते हैं इसमें, ठीक। x इज n इंटीजर, जो यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए, कौन कौन से आएंगे, माइनस एक बटा दो, एक से छोटा होता है, तो मतलब ये इधर आएगा, ऐसे रियल लाइन में ऐसे बताते, माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, ज़ीरो, वन, टू, थ्री, यहाँ पे आता है माइनस वन बाई टू, इस जगह पे ज़ीरो और माइनस वन के बीच में, और ये जो चीज़ आती है नौ बटे तीन, 9 बटे तीन को यहाँ पे आता है, ये तीन से थोड़ा सा आगे, तीन और चार के बीच में आता है ये 9 बटे तीन। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी इंटीजर्स हैं वो लिखने हैं अपन को। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कौन कौन से इंटीजर्स हैं, 0, 1, 2, 3, बस यही है, रियल लाइन के ऊपर इंटीजर्स, ये 0, 1, 2, 3, ये इसके पहले के, तो माइनस वन मतलब माइनस दो से छोटे हो जाएंगे, इसके पहले 9/2 से बड़े हो जाएंगे। यहाँ तक आ रहा है सर?
पांचवे का थर्ड सवाल क्या है दे रखा है सवाल, एक्स एक्स इज एन इंटीजर, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल फोर, लेस देन इक्वल फोर का मतलब चार या चार से छोटा होना चाहिए स्क्वायर, एक्स ऐसा लेना है, ऐसा इंटीजर लेना है कि चार या चार से छोटा हो इसका स्क्वायर। तो माइनस दो लेंगे भाई, माइनस दो को माइनस दो से गुणा करते हैं तो क्या आता है चार आता है, ऐसे ही माइनस वन लेंगे, माइनस वन को माइनस वन से गुणा करते हैं तो क्या आता है वन आता है, ज़ीरो लेंगे ज़ीरो को चार से छोटा आता है, वन लेंगे टू लेंगे, ये सेट बनेगा अपने पास में। अगला सवाल है चौथा सवाल, ये अपन ने बता रखा है पिछले वाले वीडियो में देख लेना, पिछले वाले सवाल में बता रखा है कि एक्स इज एन एलिमेंट, जो इस वर्ड में आ रहे हैं वो लेटर्स लिखने हैं अपन को, एक ही बार आएगा वो लेटर्स, वैसे भी सिंगल सिंगल टेंस दे रखे हैं, तो इसका हो जाएगा एल ओ वाई ए एल, ये सेट बनेगा इसका। अगला सवाल है ई, एक ई सेट दे रखा है, किस तरह का सेट है ये, एक्स इज एन मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज नहीं होने चाहिए उस मंथ में, वो मंथ आएगा इसमें। तो जैसे जनवरी है, जनवरी में 31 दिन होते हैं तो इसमें नहीं आएगा, फरवरी है, फरवरी में 28 या 29 दिन होते हैं तो फरवरी आ जाएगा इसके अंदर, फरवरी आएगा। मार्च में 31 दिन होते हैं तो ये भी नहीं आएगा, जिसमें 31 दिन होंगे वो इस सेट में नहीं आएगा, जिसमें 31 दिन नहीं होंगे वही इस सेट में आएगा, ठीक है ना। छठा सवाल कर लेना इस सवाल को पूरा, ठीक है। छठा सवाल है एक्स एक्स इज एन कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स विच फ्रेजेज इन फ्रेज्ड एक्स प्रेजेज एक्स, मतलब सॉरी के पहले आने वाले सारे के सारे कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन, जो वोवल होते हैं इंग्लिश में ए ई आई ओ यू, ये पांच वोवल होते हैं, ठीक। इनके अलावा जो होंगे सारे के सारे कॉन्सोनेंट होंगे। अब के पहले आने वाले जो भी कॉन्सोनेंट हैं वो इस सेट के अंदर आएंगे, कौन कौन से हैं इस के पहले आने वाले, ए बी सॉरी स्मॉल में लिखते हैं ए बी सी डी ई एफ जी जी एच आई जे के, ये के पहले आने वाले, मतलब के भी नहीं आएगा, के पहले आने वाले जो भी है, ए नहीं आएगा क्योंकि वो बोले ये कॉन्सोनेंट चाहिए अपन को, बी आएगा सी आएगा डी आएगा ई नहीं आएगा, ई कौन वोवल हो गया इसलिए नहीं आएगा, एफ आएगा जी आएगा एच आएगा आई नहीं आएगा जे आएगा, ठीक है। जो वोवल है वो नहीं आएंगे, जो कॉन्सोनेंट है वही आएंगे, आगे बात समझ में। तो यहाँ पे लिख लेंगे अपन के पहले आने वाले सारे के सारे कॉन्सोनेंट, ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, जो सवाल मैंने छोड़े उस सवाल को करना है, जो नहीं आए उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना कि ये सवाल नहीं आ रहा है सर, मैं बता दूंगा, ठीक है। और जो सवाल आ जाए उनके आंसर भी कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। तो कल मिलते हैं, ओके, थैंक यू।